Welcome to Time News Studios. You are watching 12 p.m. Bulletin. सिंध में कोरोना वायरस से हॉटस्पॉट करार डिनल जिलन में इंतजामिया जो फुर्तियों। कराची में मुख्तलिफ जिलन के 43 यूनियन काउंसिल्स में सख्त लॉकडाउन जो फैसलो। हैदराबाद में 100 का वधिक इलाकन में स्मार्ट लॉकडाउन जो हतमी फैसलो कियो वियो। नसीम नगर फेज वन, मुस्लिम सोसाइटी, जीओआर कॉलोनी, गुलिस्तान सज्जाद, सिटीजन कॉलोनी, सैरिश नगर, अनवर विलास, अब्दुल्ला टाउन, भिटाई टाउन, हैप्पी होम्स, स्टेट लाइफ कॉलोनी, मारवी टाउन, शहबाज टाउन ए मारवी गार्डन में सुबाने खां ब जुलाई तई लॉकडाउन कयो वेंदो। सखर में 7 मुख्तलिफ इलाका हॉटस्पॉट करार दिना विया। गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हैदरी मस्जिद, सिंधी सोसाइटी, न्यू सखर, शाह खालिद कॉलोनी, गुजवाणी पाड़ो, बिहार पाड़ो ए पनवाकिल के सुमरा पाड़े में लॉकडाउन कयो वेंदो। कोरोना जा केस वधण ते नवाबशाह ए सकरण तालके में भी लॉकडाउन जो फैसलो। लॉकडाउन थियल इलाकन के रहवासियों की चुरपुर ते पाबंदी ए फेस मास्क पायण लाजमी करार। रुगो मेडिकल स्टोर्स ए आम वाहिपे की शयन जा दुकान खुलल हुंदा। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत, लंदन में कतल थियल मुतहदा अगवान इमरान फारूक के केस जो 10 सालन का पोए फैसलो बुधाए छोड़ो। केस में जवाबदार मौजम अली, मोहसिन अली ए खालिद शमीम के उम्र कैद की सजा बुधाई वही। एटीसी के जज शाहरुख अर्जुमन तरफा जारी कल मुख्तसर फैसले में चुना है त सजा मिलल जवाबदार मकतूल के वारसन के 10 लख रुपया मुआवजो भी अदा कर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेट्रोल के जखीरों करने ते हुकूमती कार्रवाई खिलाफ़ दरख्वास्त तवानाई वजारत ओगरा फ्यूल क्राइसिस कमेटी एफआईए के नोटिस जारी कर छड़ा। 25 जून तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजारन के वकील दलील ईंदे है त तेल जखीरों थियण खिलाफ़ कार्रवाई लाइ कमेटी नथी जोड़े सकजे। ओगरा पेंजे वाजे कल तरीकेकार तहत एक्शन खड़ी सके थी। तेल कंपनीज के हिरासा करण लाए एफआईए के भी कमेटी में शामिल कयो वियो। अदालत रिमार्क्स डींदे चयो आहे त एग्जीक्यूटिव जे इख्तियारन में अदालत सबर जो मुजाहिरो कंदी आहे। ओगरा ए एफआईए के कमेटी में शामिल कयो वियो आहे त उहे केस के कीअं ॾिसन। मुल्क में कातिल कोरोना वायरस वधिक 60 जणन जो हयातियों गिड़काए छड़ियों। फौत थियल माण्हुनि जो अंगु 3093 थी वियो। 2380 नवा केस ज़ाहिर थियण खां पोइ मुतासिरनि जो अंगु 160,118 ताईं पहुची वियो। पंजाब में कोरोना मुतासिरनि जो अंगु 60,138, सिंध में 59,983, खैबर पख्तूनख्वा में 19,613, बलूचिस्तान में 8,794, इस्लामाबाद में 9,673, गिलगित बल्तिस्तान में 1,213 ऐं आज़ाद कश्मीर में 740 थी वियो। हेल ताईं 59,215 मरीज सिहत याब थी चुका। हिंगोरजा में 6 डॉक्टरन समेत 20 जणा कोरोना वायरस में मुब्तला। डॉक्टरन के कोरोना वायरस की तस्दीक खां पोए अस्पताल जी ओपीडी के मुकम्मल तौर बंद कयो वियो। मीरपुर खास में कोरोना वायरस जा वधीक 19 केस जाहिर। मुतासिरन जो अंग 299 थी वियो। कंबर में वधीक 9 जणा कोरोना वायरस जो शिकार। मुतासिरन जो अंग 251 थी वियो। राणीपुर में 10 जणा कोरोना वायरस में मुब्तला। सेवण में कोरोना वायरस जा वधीक 8 केस साम्हूं अची विया। मुतासिरन में 2 NICVD जा मुलाज़िम भी शामिल। तालके में मुतासिरन जो अंग 167 ताईं पहुची वियो। पीरगोट अस्पताल जा 3 मुलाज़िम कोरोना वायरस में वठिजी विया। उमरकोट ए मिठियाणी में कोरोना जा वधीक 2 केस ज़ाहिर थिया। कराची में कोरोना वायरस सबब सिंध पुलिस जो वधीक एक ऑफिसर हयाती विञाए वेठो। फौत थियल पुलिस अहलकारन जो तादाद 10 थी वियो। फौती सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा सत्ती डिफेंस थाने ते फर्ज अंजाम ॾेई रहियो हो। सनस वास्तो रावलपिंडी सां हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना केस वधण लॻा। जस्टिस लुबना सलीम परवेज भी वायरस जो शिकार। अदालती इख़्तियारनि जो चवणु आहे त रिपोर्ट पॉज़िटिव अचण बाद जस्टिस लुबना सलीम परवेज जी ईंदड़ हफ़्ते वारी कॉज लिस्ट कैंसिल कई वई। संदस सेक्रेटरी के भी गुजरियल हफ्ते कोरोना वायरस की तस्दीक थी हुई। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा की घरवारी के वीडियो लिंक से बयान दियण की इजाजत दई छड़ी।
फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल रिमार्क्स चूंदे है तो जस्टिस काजी फायज ईसा की घरवाली का मंझंद जो बयान वरतो वो उन इंतजाम क्या पा वन फरोख नसीम के दलील से रिमार्क्स में जस्टिस उमर अता बंदियाल जो चवण हो तो कें जाए ते बदनीयती हुए तो अदालत के जायजो वठण जो इख्तियार है अदालत पैं इख्तियार को भी समझौतो न कंदी। मुतहदा पाकिस्तान कराची में तकबंदन के सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर छो कंवर नवीद जमील आमिर खान ए बन अगवाणन सिंध हाई कोर्ट पहुंची दरख्वास्त दाखिल कराई। मुतहदा अगवाणन सिंध सरकार मथा तकबंदन में बद इंतजामिया जो इल्ज़ाम मणींदे है तो पीपुल्स पार्टी मनपसंद तकबंदियों कराए उर्दू गालाइंदड़ आबादन के महदूद कर छो है। पीपुल्स पार्टी वडेर की सोच रखंदे मकानी इख्तियार अना तई सूबाई हुकूमत वट रखा है। कराची में पुलिस अहलकार मुबैना तशद्दुद कंदर डीएसपी अहमद हसन के पुट समेत छह जणा गुलशन मेमार में गिरफ्तार। डीएसपी के इस्तेमाल हेठ पुलिस नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी तहवील में वरती वही। गुजरल ढी पुलिस अहलकार टाइम खत्म थियण बावजूद खुलल दुकान बंद कराने लाए पौता तो डीएसपी की गाड़ी में वेठल संदस पुट जिया उन दोस्त मुस्तफा अहलकार मुबैना तशद्दुद वर्दियों फाड़े छड़ी हुई। वाक़े जो केस दाखिल। भान सईदाबाद भरसा गोठ गहिला पंवर में एक ही घर जहा बड़ा शाख में बुरी फौत मासूम अली रजा सूमल जमाली जलाश घर पहुंचने से कोहरान बई बार पान में सोट हुआ जेके घर बाहरा रांद कंदे पेर स्लिप थियण सबब शाख में बुड़ी वह। कंबर वेचो हथियारबंदन फायरिंग करे पुलिस अहलकार के शहीद कर छो एक जख्मी मेणा गोठ भरसा ड्यूटी तां वापस इंदड़ अहलकारन ते हथियारबंदन फायरिंग करे डिनी। पुलिस मौजूब गोलियों लगण सबब अहलकार जमीर शहीद थी वयो मौसिन जख्मी थियो। वाके बाद हथियारबंद सरकारी हथियार भी खणी वयो। डहरकी जी लोंग कॉलोनी में नौजवान बाबू शेख घर में फाव खाई जिंदगी जो अंत आणे छो। कढ़ण भरसा गोट फरीद चांडियो में 16 वरन की सनम चांडियो जो घर में फाव खाद लाश थो। जामशोरो में सिंध यूनिवर्सिटी इम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जा जबरदस्ती इंतजाम संभालण से रहवासिन पारा स्विचेस ऑफिस जो घेराव। इंडस हाईवे से धरणो मुजाहरीन जो चवण है तो स्विचेस इंतजामिया गैर कानूनी तौर सोसाइटी जा इंतजाम संभालिया। स्विचेस के सदर अब्दुल्ला अब्बासी से सोसाइटी के अकाउंट में 99 लाख रुपया गैर कानूनी तरीके से कढ़ाने जो इल्ज़ाम। अब्दुल्ला अब्बासी इल्ज़ाम के रद्द करते है तो 99 लाख रुपये की ऑडिट कराने लाए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम टाइम न्यूज़ सगत मैं हमीर शेख हेडलाइन हवाले थी तफसीली खबरों ब्रेक खां।